हेलो गाइस, मैं हूँ सौरभ एंड आई वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। सो गाइस, इसकी वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप होने चाहिए एंड आज निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। सो इससे पहले कि गाइस ये वीडियो स्टार्ट हो, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने व्यूज़ को भी कमेंट करें। ओके गाइस, सो ये है निफ्टी का चार्ट एंड आज जैसे कि देख सकते हैं चार्ट के अराउंड चार्ट में हम लोग कि निफ्टी ने 200 पॉइंट का एक बड़ा गैप अप दिया एंड गैप अप के बाद ही मार्केट जो है एक सेलिंग प्रेशर दिखाया, बट इवेंचुअली मार्केट ओवरऑल ऊपर ही रहा। तो क्या कल भी मार्केट एक गैप अप खुलेगा और मार्केट अप ट्रेंड होगा? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि क्या मार्केट अपना लो लगा लिया या फिर मार्केट का करेक्शन कम्प्लीट हो गया। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे कि कल मार्केट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। सो गाइस, चार्ट के अगर हम लोग चार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप खुलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 14,600 का राउंड होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट, तो 14,600 के का यहाँ पे सपोर्ट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है प्राइस एक्शन के साथ, तो ये डेलो को दोबारा टेस्ट करके कंटिन्यू कर सकता है ऊपर, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलेगा भी तो मार्केट यहाँ पे 14,475 के लिए आप सेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग कल के लिए क्या स्टॉक्स होने चाहिए जो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, कल के लिए हमारा 5 स्टॉक्स है। फर्स्ट है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो गाइस, ये है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट एंड आप देख सकते हो कि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस अब यहाँ पर एक लो लगाने के बाद जो कि 194 के आसपास इसका सपोर्ट था, वहाँ से ये चलना स्टार्ट हो गया। एंड गाइस, ये 190s का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड आप इसको कल के इंट्राडे के लिए भी ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो एंड इसका टारगेट होगा 202 to 204। ओके, एंड इसमें SL है 196 का। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स 195 के आसपास मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिकमेंड किया था। एंड गाइस, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हो टाटा मोटर्स मैंने 295 के आसपास आज बाई रिकमेंड किया था एंड वहां से ये 300 का ऑलमोस्ट हाई लगाया। सो कल भी गाइस टाटा मोटर्स बाइंग जोन में रहने वाला है, आप इसको बाई कर सकते हो। टारगेट है 304 to 306 एंड स्टॉप लॉस है 294। एंड गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी 210 के अराउंड, बहुत ही अच्छा इसका बाइंग जोन है एंड आप इसको अगर यहाँ पे लेने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से फॉल कर जाए, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आईटीसी में कितना अच्छा रैली हुआ 209 के ऊपर, ब्रेकआउट यहाँ पे 209 के ऊपर, ये सीधा 214 15 और एक बहुत ही अच्छा आप 228 तक आईटीसी हाई लगा चुका है। ओके, सो आईटीसी को भी आप बाई कर सकते हो एंड आईटीसी का टारगेट है 215 का। ओके, एंड इसका स्टॉप लॉस है 208 का इंट्राडे के लिए। अगर आप इसको पोजिशनली भी बाई कर सकते हो और पोजिशनली इसका टारगेट है 250 का। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी को भी आप ले सकते हो इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनली भी। पोजिशनली इसका टारगेट है 2200 का एंड इंट्राडे के लिए इसका टारगेट है 1760 का। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ओके, सो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं गाइस कि आईआरसीटीसी एक यहाँ पे जो 1700 का इसका लो था उसको डिफेंड कर रहा है एंड इसको आप बाई कर सकते हो 1744 एंड इसमें 50 पॉइंट का टारगेट है एंड ये सपोर्ट भी है। ओके, सो आईआरसीटीसी भी एक अच्छा पिक होने वाला है, आप इसको ले सकते हो। अगर ये फ्लैट कल खुले तो इसमें एक अच्छा मूव आएगा, अच्छा आप मूव देखने को मिलेगा। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गाइज रिलायंस बिल्कुल ही अभी निफ्टी की वजह से आप एक प्रेशर में है एंड रिलायंस बिल्कुल चलने वाला है जब भी मार्केट में एक मोमेंटम आए। रिलायंस का जो टारगेट है वो पोजिशनली है 2300 का एंड रिलायंस में इंट्राडे के लिए भी आप बाई कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए इसका टारगेट है 2050 का। ओके, सो गाइस, ये था हमारा टॉप 5 स्टॉक्स जो कि कल के ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंड हमने ये भी देखा कि निफ्टी 50 में क्या आपका कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये लर्निंग वीडियोस मिले। एंड गाइस, ये जो हमारा वीडियो सीरीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एनालिसिस एंड ये वीडियो रोज़ आने वाला है। एंड अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक कि कोई म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई बुक के समरीज जो कि स्टॉक मार्केट के बेस्ट बुक्स हैं। आप जो भी वीडियोज़ देखना चाहें आप मेरे को कमेंट करके बताइए और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना के लेके आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़।